कैंडवा कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीम ने पुलिस मुठभेड़ में अंतरजनपदीय दो लुटेरों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर मुठभेड़ में दो अभियुक्तों को वी पार्क की बाउंड्री के पास मोड़ पर बनी सड़क पर से गिरफ्तार किया गया है। एसएसपी ने बताया कि शहर क्षेत्र में हो रही चैन मोबाइल स्नैचिंग व स्नैचरों के संबंध में मुखबिर की सूचना पर थाना कैंटवा थाना कोतवाली की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीम बनाकर वी पार्क पर पहुंची और बदमाशों के आने का इंतजार करने लगी। तभी मोटरसाइकिल सवार चैन स्नेचर बदमाश वी पार्क के पास पहुंचने पर पुलिस बल द्वारा रुकने को कहा गया तो पुलिस बल को देखकर दो बाइक सवार गाड़ी घुमाकर भागने लगे, जिससे अनियंत्रित होकर गिर गए। इस पर पुलिस बल की तरफ से आत्मसमर्पण हेतु चेतावनी दी गई, परंतु बदमाश द्वारा पुलिस बलों पर जान से मारने की नीयत से गोली फायर किया गया। पुलिस द्वारा नियंत्रित आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई करते हुए पैर पर फायर किया गया, जिस पर अभियुक्त शहजादे पुत्र अजीजुल हक निवासी पहाड़पुर तुर्कमानपुर वार्ड नंबर 54 थाना राजघाट जनपद गोरखपुर के दाहिने पैर में गोली लगी। मुठभेड़ के दौरान ही दूसरा अभियुक्त सलाम पुत्र अब्दुल रहीम निवासी नकी रोड बसंतपुर थाना राजघाट जनपद गोरखपुर भाग गया था, जिस पर थाना कैंट पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त सलाम पुत्र अब्दुल रहीम निवासी नकी रोड बसंतपुर थाना राजघाट जनपद गोरखपुर को 9/7/83 से गिरफ्तार किया गया। एसएसपी ने बताया कि घटना में घायल अभियुक्त शहजादे उपरोक्त का इलाज बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवा दिया गया है, जिसकी स्थिति सामान्य है। घायल अभियुक्त द्वारा पूछताछ में पुलिस को बताया कि दो दिन पहले ही घायल अभियुक्त शहजादे उपरोक्त व उसके साथ सलाम द्वारा थाना कैंट व थाना कोतवाली क्षेत्र में महिलाओं से छिनैती की घटना की थी और आज सुबह के समय भी वी पार्क के पास अपने साथी के साथ घटना करने की फिराक में घूम रहा था कि तभी पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया, जिनके पास से एक देसी कट्टा, एक जिंदा कारतूस व एक खोखा कारतूस, चोरी का एक पल्सर मोटरसाइकिल बिना नंबर प्लेट की, एक लूट का मोबाइल, लूटी गई चेन बेचने से प्राप्त कुल 10,000 रुपए नगद बरामद किया गया। एसएसपी ने गिरफ्तार करने वाली पुलिस की संयुक्त टीम कैंट व कोतवाली पुलिस को 25,000 का पुरस्कार दिया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय, कोतवाली थाना प्रभारी कल्याण सिंह सागर, उप निरीक्षक विशाल शुक्ला, अरुण कुमार सिंह, रुद्र प्रताप सिंह, रविकांत निगम शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने कहा, क्यों चेंज करोगे किसी की, क्यों करोगे, क्यों मौका दे देंगे? एक बात हमारा तो पता चलेगा, मैं अपने दिल से दिमाग से वादा कर रहा हूँ, आप मुझे स्टाम्प पेपर दे दें, मैं निकल दे देता हूँ, मैं दोबारा गुमान नहीं करता। तुझे नंबर चार तुझे काला उस लाइट का रिफ्लेक्शन कम हो जाए। तुम ही हो, क्या नाम है तुम्हारा? ठीक लग रहा है। अरे गोली लग रही है यार, थोड़ा घुमाएगा। हॉस्पिटल में है। अच्छा, एक सच पकड़ा गया कोई और? क्या दूसरा वाला जो बाद में पकड़ा गया, भागा था ना? आज भाग गया तो पकड़ा है। आईपीएल में लड़ रहा था, गलती है अगली बार ध्यान रखना भाई, सजा बड़ी सब है। तीन मामले खुल रहे हैं, एक तो कट्टा किसने दिया, दूसरा आईपीएल कहाँ से दिया।
चेन तो खुला है, खुला है। किसी दुकान पे काम करते हो कि घूम घूम के बनाते हो? मुंबई में हाउस ज्वेल कंपनी में। यहाँ पे वहाँ तरफ घूमना चाहते हो? यहाँ कब आए हो? यहाँ पे हो गए साल भर। साल भर से हो गए। कहाँ खेलते हो तुम? मोबाइल में खेलते हो? मोबाइल है ऐसे। तो 1,00,000 रुपया कितने टाइम में कटवा दिया? बीस से 25 मैच खेले। जीते हो कोई? किसम हारे जा रहे हो? दोनों घटना के समय सर एक ही रंग की टी शर्ट पहनते हैं। सुबह सुबह क्यों घटना करने निकलते हो? 5 बजे कौन सा टाइम है घटना करने का? मैंने पूजा वृद्धि तो हुई है वो तो आप पता ही है, लेकिन सुबह सुबह कौन सा टाइम है मतलब अपराध करने का, ये कौन सा टाइम होता है? तो सन्नाटा ऐसा, सन्नाटे में कौन सा अपराध होता है? किसका आइडिया था कि सुबह चलेंगे तो काम करने के लिए? पहले देखो, पहले कितनी बार जेल गए हो? 2-3 बार गए हैं। तुम भी साथ थे? वही मैं। कितनी बार घटना की होगी? तीन बार की है। कहाँ कहाँ की है? 3 बार रात को भी की है, यहाँ पे बच्ची को देखना था, बच्ची ना मोबाइल वगैरह करना था। सयादे कहाँ है? क्यों, क्या हो गया? हाँ तो अस्पताल में पहुंच गया, गोली लगी उसको? तुम्हें नहीं मालूम है? इसको मिलवाओ सजा दे, जेल में मिलेगा तुम्हें वो। जेल में तुम्हें एक छेदी या बैरक मिलेगी, छेदी है हमने तुम्हें। वो 8-10 लोग हैं, कितने हो गए? 9 पूरी बैरक होगी, सब वो लंगड़े इकट्ठा हो रखे होंगे, वो सबसे मिल लेना तुम। कौन सा जेल में? ठीक है, देख लेना क्या हाल होता है। अगर तुम किए हो तो एक बैरक खुलवा दिए हम वहाँ पे। नहीं छिदैया बैरक वो खोले तो अस्पताल में दे, लेकिन अस्पताल वाले कहे साहब इतने सारे अपराधी रखना ठीक नहीं है अस्पताल में, तो वहाँ खुलवा दिए। तो अगली बार किए ना उसी में लिटा दूंगा तुम्हें बैरक में, छेद के तुम्हारे वहाँ। ये घटना वटना किए, चेन स्नैचिंग किए, तुम प्रचार करना अंदर जाके, दिन में 5 लोगों को रोज बताओगे अपराधियों को जेल में कि अपराध मत करो बाहर निकल के, नहीं तो छिदैया बैरक में भर्ती हो जाओगे। जी इसमें थाना कोतवाली और थाना कैंट में 10 तारीख की सुबह एक चेन स्नैचिंग की और एक मोबाइल लूट की घटना हुई थी, जिस पर कि पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दोनों थानों की टीमें सीओ कोतवाली, सीओ कैंट और एसपी सिटी के नेतृत्व में लगी थी। इसमें पुलिस ने अच्छा कार्य करते हुए इन लोगों की शिनाख्त की और 48 घंटे के भीतर इनकी गिरफ्तारी की है। दौरान गिरफ्तारी अभियुक्तों ने पुलिस पर फायर किया, जिसकी जवाबी कार्रवाई में शहजादे नाम का एक अभियुक्त जो थाना राजघाट का रहने वाला है वो घायल हुआ है। उसका एक साथी फरार हुआ था जिसे बाद में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन दोनों बदमाशों से एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है जो कि संभवतः चोरी की है, तमंचा बरामद हुआ है और जो लूटा गया मोबाइल था वो बरामद हुआ है। इसके अन्य साथियों की जांच की जा रही है। इनका पूर्व में आपराधिक इतिहास रहा है और जो घायल अपराधी है वो पूर्व में 2 बार जेल जा चुका है और चोरी और लूट के कई मुकदमे उसके ऊपर हैं। आसपास के जनपदों के उसके ऊपर क्या कार्रवाई की गई है, क्या उनका आपराधिक इतिहास है, इसकी तलाश की जा रही है। इनके साथी अन्य कौन है इसकी भी जानकारी की जा रही है और आगे इसमें कड़ी कार्रवाई और की जाएगी। जो अच्छा कार्य करने वाली टीम है थाना कोतवाली, थाना कैंट और सर्विलेंस की, इनको मेरी तरफ से 25,000 रुपये पुरस्कार दिया गया है। 48 घंटे के भीतर
इन्होंने ये स्नैचिंग जो सुबह 5 से 7 बजे के बीच हुई थी इनमें अनावरण करते अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। ये प्रशंसनीय कार्य है और इसके लिए इनको पुरस्कृत किया गया है।